भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है। संविधान की मूल भावना है कानून आधारित शासन, जो किसी की मनमर्जी से नहीं वरन नियम कानूनों के आधार पर चले। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। 19वीं सदी के अंत में भारतीयों को नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई। सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी मिले। फिर भी सभी अंतिम शक्ति व अधिकार अंग्रेज वायसराय व प्रांतीय गवर्नरों के हाथ में ही रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की। इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे, पहला, पूर्ण जिम्मेदार सरकार यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार, दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, तीसरा, नागरिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता व पंथ निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार, चौथा, भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन। सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र हो गया। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में भी समाविष्ट हुए। सन 1935 से संविधान के आधार पर सन 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन ये केवल 1939 तक चल पाई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज हुआ और जनसामान्य के आक्रोश से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी राज अधिक दिन तक नहीं चल सकता है।